नमस्कार, कर्व हिडन टैलेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में भरवा करेला और करेले की भुर्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो हो सकता है आपने ये रेसिपी कई बार घर में ट्राई भी करी होगी, लेकिन अक्सर क्या होता है, करेले का कड़वापन घर में बच्चों को और किसी को पसंद नहीं आता है। तो मैं अपने वीडियोस में कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जिससे कि करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और इतनी टेस्टी भुर्जी और भरवा करेला बन करके तैयार होगा कि बच्चे भी इसको पसंद करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर टच कर लें जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं सीक्रेट टिप के साथ में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा सीक्रेट टिप के लिए। भरवा करेला बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने लिए हैं फ्रेश करेले और मसाले में ले रही हूँ मैं 1.5 चम्मच कलौंजी मसाला, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी और 4 से 5 चम्मच मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, आमचूर लिया है 2 चम्मच और लिया है मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ना रहे। और आप फटाफट से सारे करेले को छील लेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि इसका छिलका हमें भुर्जी के लिए यूज़ करना है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से छीलेंगे और कोशिश करनी है कि फ्रेश करेले यूज़ करें। इस तरीके से सारे करेले मैंने छील लिए हैं और इसके पेड़ को कलेक्ट कर लिया है। आप करेले के टिप को कट करके हटा देंगे और इसमें नाइफ़ की हेल्प से एक बड़ा सा चीरा लगाएंगे जिससे कि हम फिलिंग उसमें अच्छे से फिल कर पाएँ। वैसे तो जो मैंने करेले पिक किए हैं वो थोड़े सॉफ्ट हैं, उसमें सीड्स भी सॉफ्ट हैं, इसलिए मैं सीड्स रिमूव नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत हार्ड सीड्स मिलते हैं, स्पेस नहीं रहता है उसमें फिलिंग के लिए, तो आप उसमें से कुछ सीड्स हटा भी सकते हैं। अब भुर्जी में और करेले में थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल करके हम मिक्स कर देंगे जिससे कि इसकी कड़वाहट आराम से निकल जाए और बहुत ज़्यादा कड़वा ना लगे और बच्चे और हर कोई इसे आराम से खा पाए। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करके लगभग 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। तो भुर्जी में भी मैंने नमक डाल दिया है और करेले में भी डाल दिया है मिक्स करके। अब इसे लगभग 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के बाद में करेले में नमक अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है, तो अब सबसे पहले करेले को एक बोल में शिफ्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हाथ की हेल्प से इसे अच्छे से मैश करते हुए इसकी सारी कड़वाहट पानी में रिमूव करेंगे जिससे कि इसमें जो कड़वापन होता है करेले का वो अच्छे से रिमूव हो जाए, और उसे अच्छे से निचोड़ करके उसका पानी हटा लेंगे और सारे करेले उसमें से निकाल लेंगे। यही प्रोसेस सारे करेले के साथ में करेंगे और पानी अच्छे से रिमूव करके एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अब भुर्जी को भी पानी में अच्छे से धो करके अब उसे छन्नी की हेल्प से सारा पानी उसका रिमूव करके मैंने निकाल लिया है। तो अब फटाफट से स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने जो लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया था, आमचूर, कलौंजी मसाला और हल्दी, नमक सारी चीज़ें उसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मैं 1 चम्मच के लगभग में ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें अच्छे से इसे मिक्स करके स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो स्टफिंग रेडी हो गई है, तो अब फटाफट से सारी कलौंजियाँ फिल कर लेते हैं। तो करेले में अब स्टफिंग को फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से दबा दबा करके उसमें फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं फिल करना है, वीडियो में जिस तरीके से मेंशन है आप केवल उतना ही मसाला फिल करिए। बहुत ज़्यादा मसाला फिल करेंगे तो वो कढ़ाई में फिर एक्सेस निकल आएगा। तो मैंने सारे करेले फिल कर लिए हैं और जो बचा हुआ मसाला है वो मैं यूज़ करूँगी भुर्जी के साथ। करेले को शैलो फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। अब इसे हाथ से इसका टेम्परेचर अच्छे से चेक करेंगे, अगर थोड़ा सा गर्म लग रहा है तो फिर इसमें सारे करेले जो भरे हुए हैं
वो आप उसमें ऐड करते जाइए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जब मैं करेला तेल में डाल रही हूँ तो उसमें से बबल्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि तेल हो गया था अच्छा, और उसमें आप सारे करेले ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद में इसे चेक करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा एक साइड से हो गया है। अब इसे पलट लेते हैं जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का लाइट ब्राउन रखना है इसका कलर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक साइड से लगभग पक गया है, तो अब इसे पलट करके दोबारा से मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ। अब 5 मिनट के बाद में वाओ, कलौंजी पक करके रेडी है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। तो कलौंजी तो लगभग पक गई है, तो अब इसे निकाल लेते हैं किसी बोल में। और मैं सेम पैन यूज़ कर रही हूँ भुर्जी के लिए। मैंने लगभग 2 चम्मच तेल यूज़ किया है और उसमें भुर्जी और एक प्याज और बचा हुआ मसाला ऐड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा में मैंने 1 टीस्पून के लगभग में आमचूर, हल्दी और थोड़ा सा नमक यूज़ किया है, क्योंकि भुर्जी के मसाले में पहले से ही ऑलरेडी थोड़ा सा नमक था। अब इसे चला करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद में अब इसे चेक करते हैं, ये भी लगभग पक गई है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। लेकिन मुझे इसे हल्का क्रिस्पी यानी कि लाइट ब्राउन करना है, तो मैं इसे 5 मिनट तक लगभग इसी तरह चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और वीडियो में जैसा कि मेंशन है, देखिए अब भुर्जी लगभग पक गई है, थोड़ी सी मिनिमाइज़ हो गई है क्वांटिटी में, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब भुर्जी को भी एक बोल में निकाल लेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में भरवा करेला और करेले की भुर्जी की रेसिपी शेयर करी कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ में। तो आप इस रेसिपी को जब ट्राई करिएगा तो इन सीक्रेट टिप्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन पर टच करिएगा जिससे कि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।